Hi guys, wish you a very very good morning. This is me H. Joshi and you are watching me on the channel of TYS. So here today we are going to discuss today's the Hindu news analysis. It is 22nd June 2020 and we are going to discuss all the important articles of today's the Hindu newspaper. Okay, let's take the covered areas or we can say हम कौन से areas आज cover करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम international relationships को देखेंगे. जैसा कि आप सभी जानते हैं international relations काफ़ी अभी disputed है. LAC, LOC और कालापानी area जो है नेपाल इंडिया की disputes. तो इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान को लेकर तीनों जगह पे जो disputes हैं उनमें से कुछ important articles, कुछ important news आज देखेंगे हम. उसके अलावा religious corner भी cover करेंगे जगन्नाथपुरी से related. अदर देन दिस पॉलिटी और गवर्नेंस भी देखेंगे. एडिटोरियल एनालिसिस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिशनल एंड द बिग पिक्चर, ये सारे एरियाज, ये सारे टॉपिक्स जो है, आर्टिकल जो है वो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस किसको लेके है न्यूज़ और क्या है उसके बारे में देखते हैं. तो पहली न्यूज़ जो है वो है आर्म्ड फोर्सेस गिवन फ्री हैंड टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन ऑफ LAC. अब मैं आपको बता देती हूँ कि LAC से रिलेटेड जो इशू है कि चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं वो हमारे इंडियन ट्रूप्स पे, इंडियन सोल्जर्स पे हमला कर चुके हैं और कर रहे हैं कंटिन्यूसली. उसको देखते हुए हमें ये भी नॉलेज में है कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारी 20 जो जवान हैं, सोल्जर्स हैं, वो शहीद हो चुके थे. उन सबको देखते हुए और कंडीशंस को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमें कुछ रिवर्ट करने की ज़रूरत है. उसी के चलते जो आर्म्ड फोर्सेस है उन्हें पूरी तरीके से आज़ादी दे दी गई है कि कैसी भी सिचुएशन क्रिएट होती है LAC पर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. मैं आपको बता दूं कि आर्मी जो मेंबर्स हैं या हम कह सकते हैं सोल्जर्स हैं वो जब तक कि उन्हें आर्मी चीफ से, इवन हायर अथॉरिटीज से, आर्मी चीफ को भी हायर अथॉरिटीज से मतलब डिपार्टमेंट से जो है नहीं मिल जाता, जब तक हरी झंडी नहीं दिख जाती कि हाँ आप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं या आप इसके अगेंस्ट रिवर्ट कर सकते हैं, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते. तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि 20 जवानों की जो है बलिदान के बाद में या 20 शहीदों के बाद में उनकी जो हम कह सकते हैं उनकी जो वैल्यू है उसके को उसे बढ़ाने के लिए ये कंडीशन क्रिएट हुई है. और उसे देखते हुए गवर्नमेंट का ये कहना है, अथॉरिटीज़, हायर अथॉरिटीज़ का ये कहना है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और 3 सर्विस स्टाफ जो हैं उन सब ने मीटिंग की और राजनाथ सिंह जी के साथ मीटिंग की डिफेंस मिनिस्टर से, और उसके बाद में ये डिसीज़न लिया गया कि हम ऐसी सिचुएशंस अगर खड़ी हो जाती है तो हम पूरी आज़ादी देते हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को कि वो उसके अगेंस्ट एक्शन इमिजिएटली ले सकती है. ओके, इन बिटवीन दैट US टॉकिंग टू इंडिया एंड चाइना, US जो है वो इंडिया और चाइना से बात कर रहे हैं. अमिड द स्टैंड ऑफ एट द चाइना इंडिया बॉर्डर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज टॉकिंग टू बोथ द कंट्रीज. ऐसा कहना है ट्रंप का कि हम लोग इस कंडीशन में जो है इंडिया और चाइना दोनों की हेल्प करेंगे. अब उसी के चलते जो है उनके द्वारा ये हमें सपोर्ट किया जा रहा है. तो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट, कितना हेल्पफुल होता है इंडिया के लिए या चाइना के लिए ट्रंप का इन्वॉल्वेशन या जो इन्वॉल्वेंस है US का, वो किस हद तक हमारी इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल होता है. ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज 3 मिलिटेंट्स किल्ड इन श्रीनगर गन फाइट. श्रीनगर में गन फाइट हुआ. गन फाइट इट मीन्स जो है गोलीबारी हुई आपस में, और उसी के चलते 3 जो है मिलिटेंट्स की जाने जा चुकी है. दे वर ट्रैप्ड इन कंजस्टेड लोकेलिटी, ऐसे एरिया में थे, कंजस्टेड एरिया में, लोकेलिटी में जहाँ पे उन्हें ट्रैप कर लिया गया था. ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ जहाँ 3 लोकल मिलिटेंट्स की डेथ हुई या हम कह सकते हैं वो जहाँ पे उनके ऊपर गोली दागी गई और जहाँ वो शहीद हुए, ये पर्टिकुलर एरिया श्रीनगर के जदी बल एरिया के अंदर आता है. और संडे को ये घटना हुई है
ठीक है, इनका जहाँ पे बॉडीज मिली है वो पर्टिकुलर एक जहाँ एनकाउंटर हुआ है, जिस साइट पे हुआ है वो बहुत ही कंजस्टेड एरिया था, जिससे कि ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं निकल पाए। द पुलिस आइडेंटिफाइड टू स्लेन मिलिटेंट्स एज शकूर फारूक लांगू फ्रॉम बिहार थाना श्रीनगर एंड शहीद अहमद भट्ट फ्रॉम सेमथन अनंतनाग। अनंतनाग के हैं, दैट इज़ अहमद भट्ट। और उसके अलावा जो बिहार थाना से भरथाना श्रीनगर से जो हैं उनका नाम है फारूक लांगू। ओके, शकूर फारूक लांगू, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो बेसिकली ये जो दो पर्सन हैं इनकी शिनाख्त कर दी गई है, द थर्ड जो मिलिटेंट है उनकी अभी शिनाख्त हो नहीं पाई है। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट। और इसका जवाब हम कैसे देते हैं, जैसे कि LAC से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उस पर आर्म्ड फोर्सेस को ये अनुमति दे दी गई है कि वो अपने स्तर पर जो है एक्शन ले सकते हैं, बट स्टिल दिस इज़ द पॉइंट दैट कैसे LOC और नेपाल से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसे भी सॉर्ट आउट, हालांकि नेपाल का जो डिस्प्यूट है उसे काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, बट स्टिल वी वॉन्टेड इन दैट सिचुएशन कि आगे ऐसी कोई परेशानी खड़ी ना हो। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज़ एट ऑल। द नेक्स्ट न्यूज़ इज बेस्ड ऑन रिलीजियस कॉर्नर। सो मैं आपको बता देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी की यात्रा को, जो गुजरात हाई कोर्ट ने उसे स्टे लगा दिया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो प्ली आई है उसको रिकॉल करने की बात कही है, ऑर्डर जो है स्टे कर दिए गए हैं। अभी बेसिकली जगन्नाथपुरी की जो यात्रा होती है अहमदाबाद गुजरात के अंदर, वो इस बार COVID-19 को देखते हुए गुजरात ने जो है उसको गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि अभी इस बार ये यात्रा नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है शामिल होते हैं, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों का, इवन कई ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, तो इतने लोगों का यदि शामिल होना पॉसिबल है तो इस कंडीशन में हम सोशल डिस्टेंसिंग या COVID-19 से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है उसे इशू कर, उसे फॉलो कर पाना इट पर्टिकुलरली अपने आप में पॉसिबल नहीं है, है ना, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इन दैट वे गवर्नमेंट ने जो है, या हम कह सकते हैं गुजरात हाई कोर्ट ने जो है, वो इस रथ यात्रा को एट प्रेजेंट स्टे लगा दिया है। और हेयर बट मैं आपको बता दूँ कि जो लोग, जो पेटिशन फाइल की गई है कुछ लोगों द्वारा, जो लोग जगन्नाथपुरी की इस यात्रा को करवाना चाहते हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो दर्शनार्थी जो होते हैं, तो वो सब लोग जो इस यात्रा को करवाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट प्ली फाइल की है। उनका ये कहना है, पेटिशन फाइल की है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज़, उनका ये कहना है कि ये जो यात्रा है इसे होना चाहिए, बिकॉज स्पेनिश फ्लू जो 1918 में आया था बहुत बड़ी महामारी थी, इवन उस समय भी हमने जो है ऑल सर्कमस्टेंसेस को कंटिन्यू करते हुए उनके अंडर में जो है ये पूरी की यात्रा हमने कंडक्ट करवाई थी। तो अगर ऐसी कंडीशन में भी पूरी यात्रा नहीं रुकती है तो इस COVID-19 की कंडीशन में भी इसे रोकना नहीं चाहिए। एंड हेयर दे डोंट वांट टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर रिलीजियस कॉर्नर। द बेसिक रीज़न इज़ क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजियस फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इमोशनल एस्पेक्ट कवर करते हैं, तो इन दिस केस हेयर इट इज़ ऑल्सो हैपनिंग द सेम थिंग, कि जो लोग पेटिशनर्स हैं उनका ये कहना है कि ऑल सर्कमस्टेंसेस के चलते हमें कुछ कंडीशंस में कुछ जो इम्पोर्टेंट नॉर्म्स है वो सरकार को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा को कंडक्ट करवाना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी कि आगे जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है, क्या उनका रिव्यू आता है इसके ऊपर, क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट, और क्या वापस से इसके ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट सेक्टर इज़ राज्यसभा इलेक्शंस एट पॉलिटी एंड गवर्नेंस। राज्यसभा इलेक्शंस 19 जून को हुए हैं रिसेंटली, आपको पता है ये चीज़। कल हमने एक आर्टिकल देखा था द हिंदू के न्यूज़ एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर बताया गया था कि जो है राज्यसभा इलेक्शंस जो है वो कैसे कंडक्ट होते हैं और कैसे उनका प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमने कल के उस आर्टिकल में देखा था, है ना। द नेक्स्ट इज़ मेम्बर्स एज नंबर। द राज्यसभा इज़ लूजिंग इट्स शीन एज एन एग्जाल्टेड फोरम फॉर स्कॉलरली डिबेट। द
The ruling BJP now has 86 members in the Rajya Sabha after elections to 19 seats across several states on Friday. Friday को जो कुछ states के अंदर जो seats हैं उसको carry करते हुए अब BJP जो है वो 86 जो members हैं वो राज्यसभा में stand कर रहे हैं. 19 seats cover किए हैं अभी recent जो elections हुए हैं उसके अंदर BJP ने. This is the highest number for the party in the upper house. Upper house में 86 members का होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा number है. दो इट इज़ स्टिल शॉर्ट ऑफ द हाफ वे मार्क. हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर होने के बाद भी अभी भी जो हाफ वे मार्क है मतलब आधी जो सीट्स हैं वो भी बीजेपी कैरी नहीं कर रही हैं. ऑफ टोटल ऑफ 61 वैकेंसीज 42 वर फील्ड अनअपोज्ड अर्लियर एंड ऑफ द 19 कंटेस्ट्स द बीजेपी वॉन 8 वाइल द कांग्रेस वॉन 4. कांग्रेस ने 4 सीटें जीती हैं इन 19 में से जबकि बीजेपी ने 8 सीटें जो है जीती हैं. ऑफ द 61 outgoing members 61 members में से 17 were from the Congress. 61 members में से अगर हम बात करें तो 17 लोग जो हैं 17 member जो है वो Congress के हैं जबकि 15 जो है from the BJP. With this round of election the BJP's tally increased by 11 from 75. The Congress now has 41. The opposition benches will now have veterans such as H.D. Deve Gowda and Mallikarjun Kharge and Digvijay Singh from Madhya Pradesh and Shibu Suren from Jharkhand and Venu Gopal from Rajasthan. So here these are the members and a noticeable addition to the treasury benches in Jyotiraditya Scindia whose defection from the Congress in March brought down the Kamal Nath government in Madhya Pradesh and brought the BJP back to power there. Okay, Bhuvneshwar Kalita and the Congress chief whip in the Rajya Sabha until August last year is now returning as a BJP member from the Assam. All these points to a pattern of the BJP's frenzied approach to increase its Rajya Sabha strength. So here what it is, ये जो पूरा number है, ये जो data हमने अभी पढ़ा, ये depend करता है, ये जो है पूरी parties पर based है, BJP और Congress की, और recently जो राज्यसभा elections हुए हैं, उसके ऊपर बात कही गई है, इस particular section के अंदर, इस particular article में जो है राज्यसभा के members से related discuss किया गया है, कि क्या जो है महत्वपूर्ण बदलाव पहले और अभी में राज्यसभा elections में और number of members में आए हैं. पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स में कितने मेंबर्स चेंज हुए हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो इलेक्शंस के बेसिस पर जनता पर क्या पड़ा है और क्या पड़ेगा. ओके सो लेट्स सी अबाउट इट. द नेक्स्ट इज सीक्रेसी ऑफ बैलेट इज की टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस सेट सुप्रीम कोर्ट. मैं आपको बता दूं कि कल के इलेक्शन कल का जो आर्टिकल था उसको हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको एक वर्क दिया था दैट यू हैव टू गो थ्रू दी राज्यसभा इलेक्शन आर्टिकल जो है राज्यसभा इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल था उसे पढ़ने की बात कही थी और उसके अंदर मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी मिले थे और उसी के चलते जो है किसी ने मुझे बताया था कि ये सीक्रेट बैलेट बॉक्स पर बेस होता है, सीक्रेट बैलेट पर बेस होता है. तो ये जो कंडीशन है आप बिल्कुल सही थी और जो आपने क्लैरिफिकेशन दिया था दैट वाज टू गुड. बट हेयर इन दिस आर्टिकल ये आर्टिकल बताता है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट इज़ की टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन. फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छी कुंजी है या हम कह सकते हैं बहुत बड़ा वे है, एक बहुत बड़ा सोर्स है जो कहीं ना कहीं फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, कैरी करता है. ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का. अ वोटर कैन ऑल्सो वॉलंट्रीली वेव द प्रिविलेज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर. अ थ्री बेंच जज बेंच ऑफ द कोर्ट सेट. तीन जजेस की जो बेंच थी उन्होंने कहा कि वोटर जो है वो वॉलंट्रीली वेव द प्रिविलेज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर. नॉन डिस्क्लोजर के जो प्रिविलेज है उसे भी वेव कर सकता है. तो हेयर द थिंग इज कहीं ना कहीं ये सीक्रेट बैलेट का जो ऑप्शन है या ये जो प्रोसीजर है ये अपने आप में
फ्री और फेयर इलेक्शंस को कैरी करता है. सो इट इज़ अ गुड वे टू गो फॉर. मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी सीक्रेट बैलेट बॉक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे जो है डिस्प्यूट्स हमें ऑलरेडी पास्ट में देखने को मिले हैं. आप जा सकते हैं पहले के डिस्प्यूट्स पे. तो उसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट आया है कि अपने आप में एक बेटर वे है इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का. ओके, द नेक्स्ट इज़ हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. एज वी ऑल नो कल योगा डे था, इंटरनेशनल योगा डे. एंड योगा इज़ द वे ऑफ लिविंग. इट इज़ द वे टू रिक्रिएट योर सेल्फ, टू फाइंड योर सेल्फ. एंड बाई डूइंग ऑल दीज थिंग्स आर पी एम सेड दैट योगा इज़ हेल्पिंग COVID-19 पेशेंट्स एट ऑल. काफ़ी सारे एडवांटेज हम अब तक ऑलरेडी को जो है योगा के देख रहे थे, अपने पुराने टाइम से अब तक सुनते आ रहे हैं हम लोग, है ना. लेकिन पीएम का ये कहना है कि COVID-19 में भी हमें इसका सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिला है. जिन लोगों को COVID-19 था उन पेशेंट्स ने बहुत जल्दी योगा से रिकवर कर लिया. सो समवेयर अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस. और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला, एंशियंटली प्रैक्टिस किए जाने वाला जो एक एलिमेंट है वो है योगा. और अब हमें योगा का एक बहुत बड़ा एडवांटेज COVID-19 के अंदर भी मिला है. सो इट इज़ सच अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया. और आई कैन से बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमारे द्वारा निर्मित किसी एक पर्टिकुलर या हमारे यहाँ पे निर्मित किसी एक पर्टिकुलर एडवांटेज के थ्रू. देखिए हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के अंदर, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है, मेडिकल साइंस को ले लीजिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे हमने अपने आप को प्रूव किया है दैट इंडिया कैन डू एवरीथिंग एंड इवन वी हैव दी अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग. फॉर ऑल दीज थिंग्स हमने एक नया एडवांटेज जो हमें मिला है वो है COVID-19 में योगा की हेल्प. सो समवेयर इट इज़ गुड एंड इट इज़ गुड फॉर health and infrastructure of India, and definitely it will help us a lot to recover from COVID-19. As the COVID-19 cases are continuously raising up, we have to go through yoga and meditation so that we can recover by all these things. Okay, the next is editorial analysis. The first article is India's continuing to confront conundrum. Dekhiye basically ye jo article hai ye LOC par based hai और पाकिस्तान से लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है और चाइना से लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है उस पर बेस्ड है. इस आर्टिकल को आप खुद से लेंगे लेकिन मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटी तौर पर जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही है, स्ट्रैटेजी क्या है इन दोनों वॉर्स की, और दोनों वॉर्स किस बेसिस पर चल रही है, और क्या आपस में इन दोनों का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन या हम कह सकते हैं ऐसा कुछ है जिसको लेकर के इंडिया सफ़र कर रहा है उन सारी चीज़ों को. उसके बाद में 1962 की जो है उसके बारे में इंडिया चाइना को लेकर जो हमारा रहा है फ्रेंडली रिलेशंस के बेसिस पे 1962 की जो संधि है उसको भी यहाँ पे लेसन बताया गया है. उसके अलावा जो है एग्रेशन देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर लिबरेशन पार्टी को के अंदर, चाइना के अंदर जो है गलवान वैली को लेकर, इवन और भी इंडियंस में भी काफ़ी एग्रेशन देखने को मिल रहा है जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसको देखते हुए. तो उन सबको और आने वाले टाइम में इंडिया से चाइना के जो रिलेशंस है उसको कहीं ना कहीं जो है हाईलाइट करने की कोशिश की गई है. सो यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के जो डिस्प्यूट्स हैं LOC और LAC से रिलेटेड उन्हें यहाँ पे शो करता है. ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशन. PM Modi's remarks on the border clash. देखिए बेसिकली ये आर्टिकल भी जो है कैरी करता है कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट पे. ये आर्टिकल कहता है कि PM नरेंद्र मोदी जी जो है वो कंटिन्यूसली बिल्कुल साइलेंट मोड में है. अगर हम बात करें इंडिया चाइना क्लैशेस की या इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस की, तो स्पेशली यहाँ पे चाइना की बात की है LAC से रिलेटेड, जो वॉयलेंस चल रहा है, जो वॉयलेंट एक्टिविटीज़ जो चाइना द्वारा जो शो हो रही है, और जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं गलवान एरिया को लेकर, उसको देखते हुए PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा कुछ ना कहना अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है. तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया जो लोगों को सेटिस्फाई करे और ये आश्वासन दिलाए कि आने वाले टाइम में ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी जिससे कि हमें अपने जो जवान हैं उन्हें गंवाना पड़े. अपने जवानों को लॉस करने का लॉस एक बहुत बड़ा लॉस होता है, और कोई भी ऐसा इंटरनेशनल डिस्प्यूट जिसके बेसिस पे हमें अपने जवानों की जान गंवानी पड़े ये हमारे लिए एक हम कह सकते हैं वीक पॉइंट होता है कि हमें इतने गट्स नहीं है कि हम अपने ही देश
कि लोगों की जान बचा सकें। सो ये जो क्लैरिफिकेशन का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये जो क्लैरिफिकेशन का अगर पॉइंट ऑफ व्यू लें तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी जी जो है इसमें लॉन्च इसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लैक कर रहे हैं और लॉस्ट है क्लैरिफिकेशन जो कि उनको ऑलरेडी दे देना चाहिए अब तक। एंड इवन वी आर होपिंग कि आने वाले टाइम में उनका जो क्लैरिफिकेशन है वो क्लियर होगा। पीएमओ से रिलेटेड जो डिस्प्यूट चल रहा है, एलएसी से रिलेटेड है, एलओसी से रिलेटेड, कोविड-19 से रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिन पर अभी तक हमें मोदी जी का जो है क्लियर जो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट या क्लैरिफिकेशन कहीं पर भी नहीं मिला है। सो वो कहीं ना कहीं एज डेमोक्रेसी या हम कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पीएम इज़ रिस्पॉन्सिबल टू आंसर फॉर ऑल दीज डिस्प्यूट्स और थिंग्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन आर कंट्री। और अगर इस तरह का क्लैरिफिकेशन दे दिया जाता है तो वो हमारे लिए एक हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट बन जाएगा कि येस वी आर नोन विद दिस मैटर। ओके, सो एडिशनली जो आर्टिकल्स हम लेंगे वो एक है लोकल्स ब्लॉक रोड्स लीडिंग टू फेमस वाटरफॉल्स अर्ज विजिटर्स टू गो विजिट अवे। बेसिकली हुआ ये है कि कुछ विलेज गोवा के अंदर ये घटना घटित हुई है कि कुछ जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वाटरफॉल एरिया है वहाँ पे फेमस वाटरफॉल वहाँ पे जो है लोकल लोगों ने उस एरिया को ब्लॉक कर दिया है। उनका ये कहना है कि कोविड-19 के चलते इस पेंडेमिक के चलते हम लोग जो है विजिटर्स को अलाउ नहीं करेंगे कि वो इस एरिया में आए। मैं आपको बता दूं कि अनलॉक फर्स्ट के फेज़ के अंदर सरकार ने ये अनुमति दे दी है कि विजिटर्स जो है अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ में प्योरली गाइडेंस को फॉलो करते हुए विजिट कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट या कोई भी घूमने लायक जो जगह है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। बट हेयर कुछ लोगों द्वारा ही अब गोवा में ये चीज़ घटना घटित हुई है कि वहाँ के खुद के लोगों ने पर्टिकुलर एरिया को जो है ब्लॉक कर दिया है। सतारी क्षेत्र में जो ये जो वाटरफॉल है ये पर्टिकुलर वाटरफॉल जो है ये एक टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है और उसी को वहाँ पे ब्लॉक कर दिया लोगों ने कि हमें यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं चाहिए बिकॉज हमें कोविड-19 से खुद को और खुद के एरियाज को बचाना है। ओके, द नेक्स्ट इज़ चेंजिंग आर अप्रोच टूवर्ड्स मास्क यूज़। मास्क के यूज़ को लेकर हमारा जो अप्रोच है वो जैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। ये देखिए मास्क एक पर्टिकुलर पहले के टाइम में अगर हम बात करें तो बिफोर दिस पेंडेमिक एक जनरल सी टेंडेंसी थी कि मेडिकल क्षेत्र में इसका यूज़ होगा, मेडिकली यूज़ कर सकते हैं। बट हेयर द टाइम इज़ चेंजिंग, मास्क का यूज़ चेंज हो रहा है, रूटीन लाइफ का एक पार्ट बन गया है और कहीं ना कहीं ये हमें जो है सेफ रखता है, सिक्योर रख रहा है। ये बातें हमें अब समझ में आ रही है जब हम कहीं ना कहीं सिक्योर हैं मास्क के यूजेस से। ओके, सो दिस आर्टिकल कैरीज द यूज़ ऑफ मास्क। ओके, द नेक्स्ट इज़ पीएम केयर्स फंड कंट्रोवर्सी। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ अभी काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही थी पीएम केयर्स को लेकर। ये जो फंड है ये आरटीआई के तहत नहीं आता है ऐसा कहा गया था कोर्ट द्वारा, जबकि पीएमओ द्वारा, जबकि लोगों ने पिटीशन फाइल की थी पब्लिक ने कि हमें जो है उसका स्टेटमेंट चाहिए। काफ़ी लोगों का ये कहना था अपोजिशन के साथ में पब्लिक ने मिलकर ये फाइल किया था पिटीशन कि हमें जो है पीएम केयर्स फंड का पूरा डेटा चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए कि वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वो जनता का पैसा है। तभी पीएमओ से ये ऑर्डर आए थे, ये जो है क्लैरिफिकेशन आया था कि इसके बारे में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाएगा बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है या हम कह सकते हैं ये जो दायरा है पीएम केयर्स फंड का वो हमारे क्षेत्र में आता है, मतलब आरटीआई के क्षेत्र में नहीं आता है, ये हमें ही मैनेज करना होता है। ओके, सूट फाइल्ड इन पीएम पुणे कोर्ट सीकिंग टू ब्रिंग पीएम केयर्स फंड अंडर आरटीआई। अब जब पीएमओ ने क्लियर कर दिया कि आरटीआई के तहत नहीं आता तो पब्लिक की ये डिमांड है कि पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के तहत लाया जाए। उसके तहत बहुत सारे पेटिशंस फाइल हो रहे हैं, इसी कड़ी के अंदर पुणे के अंदर कोर्ट में भी जो है ये पेटिशन फाइल किया गया है, सूट फाइल किया गया है कि पीएम केयर्स फंड जो है उसे आरटीआई के तहत लाया जाए। ओके, क्योंकि ये जो डोनेशन है ये हमारा पैसा है, जनता का पैसा है और जनता पूरी अधिकारी है इसके बारे में पूछने की। तो पेटिशनर्स ऑल्सो वॉन्ट दैट इट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड एंड ऑल डोनेशंस रिफंडेड। जो डोनेशंस है उसे रिफंड किया जाना चाहिए पेटिशनर्स का कहना है, ये डिक्लेयर हो चुका है नल और वॉइड। बेसिकली इट इज़ नॉट, इसे नल और वॉइड डिक्लेयर करते हुए सारे डोनेशंस जो है उसे रिफंड कीजिए। तो ये प्रैक्टिकली इट इज़ सच अ वेरी
रिडिकुलस थिंग दैट आप सरकार को पैसा दे रहे हैं सब कुछ मैनेज करने के, सरकार उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रही है और उसी बीच में आप ये कहते हैं कि जो पैसा हमने आपको वापस जो दिया है वो आप वापस दीजिए. सो समवेयर कहीं ये तरह के क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है उन पेटिशनर्स पर भी, इवन जो है पीएम केयर्स फंड पर भी. तो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट आरटीआई के तहत. या तो आप आरटीआई में पैसा जो हमने पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिया है वो हमें, या तो आप आरटीआई में लेकर आइए उसे, अदरवाइज वो पैसा हमें रिफंड कर दीजिए, ऐसा पेटिशनर्स का कहना है. तो लेट्स सी कि कोर्ट जो है वो क्या, जो पुणे कोर्ट जो है वो क्या इशू करता है, क्या स्टेटमेंट इशू करता है और क्या क्लैरिफिकेशन इससे रिलेटेड देता है. ओके, सो इट विल बी गुड पॉइंट टू गो फॉर. द नेक्स्ट इज, हमने जितने भी आर्टिकल्स आज कवर किए हैं वो सारे द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बन जाते हैं. तो आप ये जो फॉर्मेट है ये हमने इसलिए अडॉप्ट किया जिससे कि आपको और कोई इशू ना हो, कल आपको और भी कई तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे. सो प्लीज़ गिव योर रिव्यूज़ हाउ यू गेट इट. एंड हमारा जो मोटिव है वो बेसिकली द हिंदू, जो कि एक बहुत ही रिलायबल सोर्स है और बोनाफाइड सोर्स है नॉलेज का, तो उससे जो है आपके बेटर फ्यूचर के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके सिविल्स के प्रिपरेशन के लिए हम इस न्यूज़पेपर का यूज़ कर रहे हैं फॉर योर एजुकेशन पर्पस, फॉर योर नॉलेज पर्पस. ओके, सो जितना हो रहा है जस्ट कैरी इट, एंड जितना हम कर पा रहे हैं, जितना न्यूज़ कैरी कर पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं. और द हिंदू न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि वो आपके प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, सो और भी कोई इशू है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड.